प्रदेश में एमएसपी के चल रहे किसान आंदोलन के क्रम में बिहार में सोमवार को जगह जगह रेल का चक्का जाम किया गया। इस चक्का जाम का नेतृत्व जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में किया गया, जिनके साथ जाप कार्यकर्ताओं ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, एमएसपी की गारंटी, खाद बीज की आपूर्ति, वार्ड सचिव की नौकरी अस्थायी करने, पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त सुरक्षा देने हेतु मांग के साथ आज पटना के सचिवालय हॉल्ट और दीदरगंज रेलवे हॉल्ट पर चक्का जाम होने से कई ट्रेन हुआ प्रभावित। इस मौके पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार को चाहिए, लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए जितनी भी कुर्बानी क्यों न देना पड़े। लड़ाई पूरे बिहार में चक्का जाम है, और ये तो अभी अंगड़ाई है। आप जिस तरीके से नौकरी खत्म कर रहे हैं वार्ड सचिव, और किसानों के साथ जो दुर्गति है, और ये दोनों भाई कभी जाति जनगणना का नंगा खेल, कभी सपोर्ट देंगे, कभी मर जाएंगे नहीं देंगे, ये उम्मीद नहीं किया जा सकता विपक्ष से। वो विपक्ष बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको न तो विशेष राज चाहिए, न जाति जनगणना चाहिए। ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है, इसके एक एक वर्कर मरने जीने को। सर, शिक्षा में हजारों की बहाली पड़ी हुई है, बहाली नहीं हो रही, हर बार नियोजन बढ़ जाता है। सर, मैं वही रोजगार की बात तो कर रहा हूँ। जी, यही बात कर रहे थे तो आप जेल में थे 6 महीने, फिर से आप सड़क पे हैं, डर नहीं लग रहा है? सर, लगातार तो पहले कह दिया, बकवास बात है जी। चुनाव में कोरोना नहीं है, रैली में कोरोना नहीं है, 5 राज्यों में कोरोना नहीं है, इधर सामने देखिएगा, में कोरोना नहीं है, रात में कोरोना पोस्टिंग हो जाती है, उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है, उसको कहीं नहीं है। हाँ। न उत्तर प्रदेश में है, न पंजाब में है, न उत्तराखंड में है जी। तो कोरोना रात में होती है, दिन में नहीं होता है कोरोना। देश में 1 लाख से ज्यादा आंकड़े आ गए हैं, वो बकवास है। सर, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले पर। कोरोना से मृतक परिवार का पोस्टमार्टम जब तक नहीं होता है, तब तक हम उसको कोरोना से मरे हुए इंसान नहीं समझेंगे जी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।